आज का हमारा ब्लॉग रहेगा नदी की शेयर करना। जो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे नज़दीकी 1 किलोमीटर में एक महिसागर नदी है, ठीक है। तो महिसागर नदी के आज हम घूमने जाएंगे उसमें, लेकिन उससे पहले यहाँ पे महिसागर नदी के पास में एक मंदिर है, ठीक है। तो ये महिसागर माता जी का मंदिर है और उसके ठीक सामने यहाँ पे नदी है। तो सर चलो पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं महिसागर माता जी के, उसके बाद हम नदी में घूमने जाते हैं। चलो महिसागर माता जी का मंदिर है जो बिरिथा में आया हुआ है और ये नदी के किनारे, महिसागर नदी है ना जो, उसके किनारे ये मंदिर है। और अगर आप देखना चाहते हो तो सामने नदी है जो वो महिसागर नदी है। देखो जैसे मैंने बताया कि ये मंदिर है तो उसके ठीक सामने यहाँ पे नदी है जो आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अवेलेबल है, यानी कि बोट भी यहाँ पे है जहाँ जिसमें बैठ के हम इस किनारे से उस किनारे तक जा सकते हैं, क्योंकि जो सामने भी गांव है ना, तो अगर उन बंदों को यहाँ पे आना होता है तो बोट में बैठ के आराम से आ सकते हैं और यहाँ से भी हम बैठ के वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम भी यहाँ ट्राई करते हैं कि कैसा रहता है बोट में बैठ के। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने से जो बोट आ रही है उसमें हम बैठ के जाएंगे उस तरफ, और देख रहे हो कि उस तरफ से जो भी बंदे आए अभी इसमें से बोट में से उतरेंगे, उसके बाद यहाँ से भी उस तरफ जाने वाले बंदे जब ऊपर रहेंगे वो उसमें बैठ जाएंगे, ठीक है। हम भी उसमें बैठेंगे। तो गाइस आप देख पा रहे हो कि अब बोट खाली होने को आए, जब पैसेंजर उतर चुके हैं बोट में से, तो अब हम भी इसमें बैठेंगे तो उस तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो चलो बैठ गए हम बोट में। तो दोस्तों हम उस तरफ से यहाँ पे इस किनारे आ चुके हैं। कैसा सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, आपने देखा कि हम बोट में बैठ के वहाँ से यहाँ पे आए, उसी तरह थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे और हम यही बोट में बैठ के वापस उस तरफ भी जाने वाले। चलो वीडियो में बने रहना, तो हम आगे भी बहुत चीज़ें दिखाने वाले हैं।